हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ओम पेंटिंग वर्क्स। दोस्तों आज क्या है बोले तो, ये डुप्लेक्स हाउस देख रहे ना, ये हाउस के वैल्यूएशन में क्या है बोले तो, अपने को सीमेंट टेक्सचर का डिज़ाइन करने का है। वो हम लोग सीमेंट टेक्सचर का डिज़ाइन कैसा कैसा करते इस वीडियो में बताता हूँ। अब क्या है बोले तो, अब काम शुरू करेंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या है बोले तो, अपने को जो बैग देखे ना, वो सीमेंट टेक्सचर का बैग है। ये मटेरियल आके अपने को जो पुट्टी कैसा रहता, सेम पुट्टी के जैसा रहता, पुट्टी से ज़रा स्मूथ रहता। ठीक है दोस्तों, ये आके अपने को ग्रे कलर में रहता। ठीक है, अभी क्या है उसको मिलाने के लिए क्या है बोले तो, अपने को सीधा डायरेक्ट पानी में मिला सकते। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं पूरा मटेरियल मिलाने का पूरा कंप्लीट हो गया। जो हम पुट्टी कैसा मिला लेते हैं फर्स्ट कोट लगा रहे जब, उसी तरह मिला लेना। और क्या है बोले तो दोस्तों, ये बेस कोट है अपने को, बेस कोट और टॉप कोट रहता है। ये बेस कोट आके अपने को लाइट शेड में है। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं ना ये वैल्यूएशन में पूरे ये पट्टियों को पूरा लगाने का है अपने को। ठीक है, दोस्तों अभी आप देख सकते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा बेस कोट लगाने का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी क्या है बोले तो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को होम पेंटिंग वर्क। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं पूरा टेप पूरा चिपका लेने का पूरा कंप्लीट हो गया। ये आके मैं 2x2 बोले तो 2 फीट बाई 2 फीट बॉक्सेस बना लिया। एक्चुअली मैं 6mm का टेप यूज़ करेंगे सोचा था, मेरे को 6mm का टेप नहीं मिला, उसके लिए मैं 1/2 इंच का टेप यूज़ करा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है बोले तो, अपने को टॉप कोट लगाने का है। उसके लिए क्या है बोले तो, अपने को ये जो पानी है ना, पानी मेजरमेंट के हिसाब से लेना। ठीक है, अभी कितना लिए नेक्स्ट टाइम भी मिलाते को तो उतना ही लेना। कहीं को बोले तो इसके अंदर अपने को जो कलर में स्टिनर मिलाते हैं वो स्टिनर इसके अंदर मिलाने का रहता है। अभी आप देख रहे ना ये ब्लैक स्टिनर है, ये आके अपने को 60 ml तक मिलाया। ये इंजेक्शन देख रहे ना, ये आके अपने को 10 ml तक रहता। ऐसा मैं 6 बार डाला इसके अंदर, 60 ml हुआ। ठीक है, अभी पूरा इसको मिला लेंगे। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मटेरियल मिलाने के बाद क्या है बोले तो, अपने को टॉप कोट लगाने का है। टॉप कोट किस तरह से लगाना बोले तो, जो हम फर्स्ट कोट में जो मसम ज़्यादा माल छोड़े ना, इसमें ऐसा नहीं छोड़ना, माल कितना भी नहीं छोड़ना, लगाना पूरा निकाल देना। वो माल कैसे निकालना बोले तो, जो अपना स्टील का ट्रैवल रहता ना, ट्रैवल नहीं तो वो स्टील का गुरमाला, गुरमाले से अपने को पूरा दबा दबा के पूरा निकालना पड़ता। अभी जो कितना भी अभी देख रहे ना, इस जो गुरमाला है ना, वो गुरमाले से ऐसा दबा के निकालना, पूरा पूरा जोर लगाना। और जो स्टुको का फिनिशिंग कैसा करते हैं, स्टुको रबिंग कैसे करते उस तरह से। ठीक है दोस्तों, ऐसी करे तो क्या है अपने को, इसके ये टेक्सचर के ऊपर काले काले धब्बे पड़ते, वो काले काले धब्बे और पूरे हाथ भी लगाए तो पूरा एकदम स्मूथ दिखता। ठीक है, अभी आप मैं कैसे कर रहा हूँ उस तरह करना।
और कितना करना बोले तो मेरे हाथ में छाले पड़ गए दोस्तों। मैं ये काम मैं पहली बार कर रहा हूँ। ये जो प्रोसेस ना, ये जो मटेरियल दिया ना मेरे को, वो कंपनी वाले मेरे को बताए ऐसा ऐसा करो बोल के, सेम वैसा ही करा। ठीक है दोस्तों, इस तरह फिनिशिंग कर लेने के बाद क्या है बोले तो, जो टेप है ना वो टेप अपने को निकाल देने का रहता। जो कब निकालना बोले तो, जो अपना बिट कंप्लीट हो जाता ना, कंप्लीट होने के बाद जब ही तुरंत निकाल देना। ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं पूरा टॉप कोट लगाने का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आके अपने को एक से दो दिन सूखने के लिए टाइम देना। उसके बाद क्या है बोले तो, अपने को जो आप ये देख रहे ना, ये केमिकल ये आके अपने को वाटरप्रूफिंग के लिए काम करता। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कुछ भी पानी नहीं मिलाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको दो से तीन कोट अप्लाई करो बोल के बोले। ठीक है, वो अप्लाई करने के बाद किस तरह से दिखता आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं पूरा काम करने का पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी इस तरह से दिखता अपने को। ठीक है, मैं ये काम पहली बार कर रहा दोस्तों। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने चैनल को, और ऐसी पेंटिंग के वीडियोस देखते रहना।